नमस्कार मित्रों, हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दंड प्रेकर संहिता 1973 सीआरपीसी 1973 की धारा 161 के बारे में जानकारी दूंगा। धारा 161 के अंतर्गत पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा की जाती है। पुलिस द्वारा जब साक्ष्यों की परीक्षा की जाती है तो इसे ही धारा 161 का बयान कहा जाता है। धारा 161 तीन उपधाराओं में विभाजित है। धारा 161 एक यह बताती है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी जो किसी मामले का अन्वेषण कर रहा है या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया कोई पुलिस अधिकारी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित समझे जाने वाले सभी व्यक्तियों के मौखिक कथन लेगा। धारा 161 की उपधारा 2 यह बताती है कि पुलिस अधिकारी द्वारा मामले से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वह व्यक्ति अवगत होगा, वह व्यक्ति देगा, लेकिन वह व्यक्ति ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देगा जो उसे किसी आरोप में फंसाने की या सस्ती या संपहरण की आशंका में डालने वाले हो, डालने की प्रवृत्ति रखते हो। धारा 161 की उपधारा 3 यह वर्णन करती है कि साक्ष्यों से परीक्षा करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसे इस कदमों को अभिलिखित या रिकॉर्ड भी करेगा। धारा 161 की उपधारा 3 में 2008 में यह संशोधन किया गया कि पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे लिए गए कदमों के दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी। धारा 161 की उपधारा 3 में 2013 में यह संशोधन किया गया कि यदि किसी स्त्री के विरुद्ध में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354, 354 एक से लेकर 4, 376, 376 एक से लेकर 5, धारा 509 के अधीन कोई अपराध किया गया है तो उस स्त्री के कथन महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही लिए जाएंगे। महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी के द्वारा ही लिए जाएंगे। धारा 161 की उपधारा 3 में 2013 में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा यह संशोधन किया गया कि यदि किसी स्त्री के विरोध में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354 354 एक से लेकर 5 376 376 एक से लेकर 5 धारा 509 509 एक से लेकर 2 के दिन कोई अपराध किया जाता है, उस स्त्री के विरुद्ध में कोई अपराध किया जाता है तो उस स्त्री का कथन महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा, लिया जाएगा, अभिलिखित किया जाएगा तथा उस कथन की दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। तथा पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य हो कि वह इस स्त्री की पहचान प्रकट ना हो इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए, यानी कि पहचान प्रकट यानी कि उस स्त्री की सार्वजनिक रूप से पहचान ना हो इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाया जाएगा, उठाए जाएंगे उस पुलिस अधिकारी के द्वारा। आज मैंने आपको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत पुलिस के द्वारा साक्ष्यों की जो परीक्षा की जाती है उसके बारे में जानकारी दी है। पुलिस के द्वारा जो साक्ष्यों की परीक्षा की जाती है वह धारा 161 का बयान कहलाता है। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार।